हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मजे सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला का साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए साथियों। जो प्रश्न है साथियों आपका वो 60 से प्लस है। कितना है साथियों? 60 से प्लस है। तो जो आप लोग कल वीडियो देखे थे जिसका था साथियों जैसे तंजौर उड़ीसा कालीघाट कंपनी से लिया और राजा वर्मा से संबंधित साथियों, तो आप लोग सुपरफास्ट रिवीजन पढ़े थे वन लाइनर, तो आज उसका लाया हूँ साथियों एमसीक्यूज यानी कि प्रश्नोत्तरी। तो लगभग 60 से प्लस क्वेश्चन है साथियों। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों सगे संबंधियों के पास अधिक से मात्रा में शेयर करिए साथियों। तो स्क्रीन पे है जैसे आप लोगों को सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि किस शैली को इंडो ब्रिटिश शैली कहा जाता है। कह रहा है कि किस शैली को इंडो ब्रिटिश शैली कहा जाता है। तो चार ऑप्शन है साथियों, पुनुत्थान शैली, कंपनी शैली, बाजार शैली या इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि किस शैली को, कह रहा है कि किस शैली को इंडो ब्रिटिश शैली कहा जाता है। कौन सी शैली? इंडो ब्रिटिश शैली कहा जाता है। तो इसमें से कौन हो जाएगा साथियों चारों ऑप्शन में से? तो इसमें जो आपका है कंपनी शैली, कंपनी शैली आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है। ना इम्पॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, जितने भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों। राजा रब्बर्मा चंद यहाँ तंजौर उड़ीसा उसके बाद यह आपका है बंगाल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। तो कंपनी शैली का दूसरा नाम पूछ रहा है क्या है? तो भारतीय शैली है, पहाड़ी शैली है, पटना शैली है या बंगाल शैली है। तो क्या आ जाएगा कंपनी शैली का दूसरा जो नाम है साथी चारों में से क्या आ जाएगा कमेंट करिए आप लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा पटना शैली। तो आप लोग बने रहिए कि ऑनलाइन क्लास के साथ पूरी तैयारी आप लोगों के साथ ही पूरी टीजीटी वीजीटी आर्ट की पूरा जितना सिलेबस है सिलेबस से पूरा हर जगह से आपको पढ़ा जाएगा, कहीं से छोड़ा नहीं जाएगा साथियों। पटना शैली की खोज किसी वीडियो आप लोगों को जो सुबह 7 से 8 बजे मॉर्निंग में मिलता है। पटना शैली की खोज किसने की? पटना शैली की खोज किसने की? फारसी ब्राउन, रवीन्द्रनाथ टैगोर, पी सी मानक या यमिया हुसैन। तो तीन नंबर पर पहुँच चुके हैं। तो पटना शैली की खोज किसने की है साथियों? तो आप प्रश्नोत्तरी एमसीक्यूज देख रहे हैं साथियों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा पटना शैली की खोज किसने की थी? तो पी सी मानक महोदय ने किया था। किसने किया था? पी सी मानक। अगला कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ है? कंपनी शैली जो है इसका निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ है साथियों पूछ रहा है ना? कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ है? ईरानी व पश्चात, यूरोपीय व भारतीय, मुगल व भारतीय। तो एक नीचे है इसके देखिए इनमें से कोई नहीं है। तो कह रहा है कि कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ है? ईरानी व पश्चात, यूरोपीय भारतीय, मुगल व भारतीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा इसमें से? चार नंबर पे देखें तो चार नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा आपका? खा, यूरोपीय प्लस भारतीय हो जाएगा। अगला है आपका पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे? कह रहा है जो पटना शैली है इसके अंतिम चित्रकार कौन थे? यामिनी राय, राजा रब्बर्मा, शिवपाल या श्री प्रसाद। तो कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे ना? तो कमेंट करिए आप लोग। तो आप लोगों का जो कमेंट आता है साथियों बहुत प्यार भरा कमेंट होता है साथियों। तो इसी प्रकार से अपना मान सम्मान बनाए रखिए साथियों और शेयर करते रहिए ताकि टीम मेंबर जुड़ते रहें। टीम मेंबर जुड़ेंगे तो उन टीम मेंबरों से ही कुछ ना कुछ हम लोगों को सीखने को मिलता है कमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद। पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे? ईश्वरी प्रसाद। अगला है आपका पटना शैली में बने चित्रों की प्रविधि को क्या कहा जाता है? पटना शैली में जो चित्र बने हुए हैं साथियों इसके प्रविधि को क्या कहा जाता है? नीली स्याही, काजली स्याही, लाल स्याही या हरी स्याही। तो पटना शैली में जो चित्र बने उसके प्रविधि को क्या कहा जाता है? तो छः नंबर पर देखिए साथियों तो क्या कहा जाता है साथियों? काजली स्याही कहा जाता है। अगला है आपका कंपनी शैली में कागज़ के अतिरिक्त किस धरातल पर चित्रण हुआ है? कह रहा है कि कंपनी शैली में किस धरातल पर चित्रण हुआ है? ना? तो कंपनी शैली में किस कागज़ के अतिरिक्त किस धरातल पर चित्रण हुआ? तो कागज़ के अतिरिक्त कह रहा है और किस पे हुआ है? अभ्रक व हाथी दांत पर, वस्त्र या काष्ठ पर, कांस्य व पत्थर पर, सूखी भित्ति पर। ना? तो कंपनी शैली की बात करें साथियों कंपनी शैली में कागज़ के अतिरिक्त और किस धरातल पर चित्रण कार्य हुआ है?
ना, तो क्या हो जाएगा सात नंबर पे, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा आपका, अभ्रक व हाथी दांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभ्रक व हाथी दांत पे भी कंपनी शैली में चित्रण हुआ है, चित्रकारी का काम देखने को मिला है। अगला है आपका, कालीघाट शैली का प्रचलन कहाँ से हुआ है साथियों। कह रहा है कि जो कालीघाट शैली का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जितने इसमें चल रहे साथियों, कालीघाट शैली के प्रचलन कहाँ से हुआ है, कई बार ये लोग ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं साथियों। कालीघाट शैली का प्रचलन कहाँ से हुआ है, मथुरा के बांकी बिहारी मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर से, कलकत्ता के काली मंदिर से, यह हो जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। ने? तो कालीघाट शैली का प्रचलन कहाँ से हुआ है, तो आठ नंबर प्रश्न पे हम लोग देख रहे हैं साथियों, तो आठ नंबर का राइट आंसर आप कमेंट करिए, कालीघाट शैली का प्रचलन कहाँ से हुआ, कहाँ से हुआ, तो यह हुआ जो काली मंदिर से, कोलकाता से, तो राइट आंसर कलकत्ता के काली मंदिर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका, कालीघाट के चित्र क्या कहलाते हैं, चित्रकार सॉरी, कालीघाट के जो चित्रकार हैं, कालीघाट के जो चित्रकार हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दरबारी चित्रकार, यह चित्रकार, बौद्ध चित्रकार या पटुआ चित्रकार। तो ये क्वेश्चन कम से कम पाँच से छः बार छप चुका है साथियों एग्जाम में, ना पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे हो जाएगा कालीघाट के चित्रकारों को क्या कहा जाता है, तो पटुआ चित्रकार कहा जाता है। अगला है, बाजार शैली में बने पोस्ट कार्ड साइज के चित्रों को क्या कहा जाता है, बाजार शैली में बने पोस्ट कार्ड साइज के चित्रों को क्या कहा जाता है, चलचित्र, बाजार चित्र, फिरका या स्क्रेल, न तो क्या कहा जाता है साथियों, बाजार शैली में पोस्ट कार्ड साइज आकार छपे चित्रों को क्या कहा जाता है, न चलचित्र, बाजार, फिरका, स्केल, तो क्या कहा जाता है साथियों, फिर कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगला है, कंपनी शैली का मुख्य केंद्र क्या था, कंपनी शैली का मुख्य केंद्र पूछ रहा है कि क्या था, लखनऊ, लाहौर, पटना, दिल्ली, तो क्या हो जाएगा इसमें साथियों, 60 से प्लस क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा साथियों इस वीडियो में, जो कि तंजौर, उड़ीसा, कालीघाट, पटना तथा तो राजा रब्बर्म से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है साथियों एग्जाम की दृष्टि टीजीटी में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, पटना हो जाएगा साथियों। अगला आपका, उत्तर भारत की कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था, कानपुर, पटना, आगरा, नैनीताल, तो पूरा वीडियो आप देखिए साथियों, पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे यहाँ पे। तो भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र पूछ रहा है कौन सा था, कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र भारत में कौन था, कानपुर, पटना, आगरा या नैनीताल, तो भारत में कंपनी शैली का जो प्रमुख केंद्र इसमें से माना जाएगा साथियों क्या हो जाएगा आपका, पटना हो जाएगा। अगला है, तो इसका हम लोग एमसीक्यू वन लाइनर क्वेश्चन देख चुके हैं, सुपर फास्ट रिवीजन भी इसका कर चुके हैं साथियों, जो भाई बहन ना देखें तो प्ले स्टोर में जाके देखें, वहाँ एक से बढ़ के एक वीडियो डाया गया है साथियों, तो अपनी तैयारी को अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। तो पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ, कह रहा है कि जो पटना शैली के चित्रकार थे इन्हीं को सबसे पहले किसका संरक्षण मिला था, ना पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण मिला, तो बिहार के राजाओं का, बंगालियों का, अंग्रेज शासन का या अंग्रेज अधिकारियों, तो किसका संरक्षण मिला था पटना शैली के चित्रकारों को साथियों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ साथियों, एक बार कमेंट आप लोग जरा करिए। तो आज आप लोगों की संख्या बहुत कम दिखा रहा है, बहुत कम लोग ही कमेंट कर रहे हैं, क्या बात है, कुछ अपना रिप्लाई भी नहीं आप लोग भेजते हैं साथियों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अंग्रेज अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त पटना के चित्रकारों को। अगला है, अंग्रेज शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह क्या था, ना पटना शैली को ही कंपनी शैली कहेंगे, कंपनी शैली को ही पटना शैली कहेंगे साथियों, तो इस तरह से घुमा के प्रश्न पूछा जाता है। तो अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ क्या हुआ, क्या था वो, अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह कौन सा शैली है, यूरोपियन शैली, शास्त्रीय शैली, कंपनी शैली या बंगाल शैली, तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा साथियों, अंग्रेज शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह आपका शैली क्या है साथियों, कंपनी शैली या पटना शैली कहेंगे आप, कंपनी के कंपनी लगाएंगे, पटना के पटना लगाएंगे। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे, कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे, रामलाल, हसनराज, रामधार या ईश्वरी प्रसाद, तो कंपनी शैली के इनमें से जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं साथियों उन्हीं प्रसिद्ध चित्रकार को पूछ रहा है, तो इसमें से जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं आपके कौन हो जाएंगे वो आपके, कमेंट करिए जरा। तो
ईश्वरी प्रसाद कौन हो जाएंगे, ईश्वरी प्रसाद जी, कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार। अगला, मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में, कह रहा है कि मुगल चित्रकला के पतन होने के बाद, मुगल शैली का जब पतन हो गया तो उसके पश्चात बाद शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुआ, कौन सी शैली थी जो विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई, कौन सी शैली थी, क्षेत्रीय मुगल शैली, कंपनी शैली, कांगड़ा शैली या दक्षिणी शैली। तो किसके बात कर रहा है, मुगल चित्रकला के बाद कह रहा है पतन के बाद, तो कौन सी शैली आएगी, कंपनी शैली आएगी, जिसे पटना शैली भी कहा जाता है। कालीघाट शैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं, कह रहा है कि कालीघाट शैली के प्रमुख चित्रकार हैं, कौन है, यांसी घोष व केसी घोष, यामी राय अमृता शेरगिल, सैयद हैदर रजा हुसैन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसके पहले भी था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। कह रहा है कि कालीघाट शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है, तो कौन हो जाएंगे साथियों, यांसी घोष व केसी घोष, तो दोनों लोग हो जाएंगे। ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र है, कह रहा है कि जो ग्लास पेंटिंग है यहाँ किस केंद्र, इसका जो केंद्र है मुख्य कौन सा केंद्र है, कहाँ पे होता है, अहमदाबाद में, पश्चिम बंगाल में, तंजौर में या मुंबई में। तो ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र कौन सा है साथियों, 18 नंबर पे हम लोग पहुँच गए। तो 18 नंबर का क्या हो जाएगा, ग्लास पेंटिंग यानी कांच, कांच में जो सामान बनाए जाते हैं, कांच के जो बनाए जाते हैं ना, जैसे शीशा पर, तो कहाँ हो जाएगा, तंजौर में। अगला है, भारतीय ने उस, जो हम लोग आप लोगों को सुपर फास्ट रिविजन ऑनलाइन में कराए थे, सबसे पहले ही प्रश्न था तंजौर से, तंजौर शैली में ही कांच पर ही बने हुए राधा, और किसका था, राधा नहीं, उसका क्या नाम था, रुक्मणी और कृष्ण का चित्र झूले पर झूलता हुआ दिखाया गया था, तो वही था तंजौर शैली का चित्र जो कांच पर बना हुआ तंजौर शैली में। भारतीय निर्देशक लेनिन राजेंद्र नाथ ने सन 2010 ईस्वी में एक मलयालम फिल्म जिसका नाम है मकर मंजू, जिसे आप कह सकते हैं द मास्ट ऑफ मकर, जिसे आप कह सकते हैं द मास्ट ऑफ मकर, किस विख्यात कलाकार के ऊपर बनाया गया था मकर मंजू, ये क्या था, फिल्म था न, तो किसके ऊपर बनाया गया था, किस कलाकार के ऊपर साथ में बनाया गया था, तो एम एफ हुसैन, मंजीत बाबा, रविन्द्रनाथ टैगोर या राजा राम वर्मा। एक बार प्रश्न और आप लोग देख लीजिए, भारतीय निर्देशक लेनिन राजेंद्र नाथ ने सन 2010 में एक मलयालम फिल्म बनाया था जिसका नाम था मकर मंजू, जिसे द मास्ट ऑफ मकर भी कहा जाता है, तो किस कलाकार के ऊपर बनाया गया था, तो 19 नंबर पे देखें, तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, राजा राम वर्मा। यह फिल्म जो बनाया गया था मकर मंजू, राजा राम वर्मा के ऊपर ही बनाया गया था। किसके द्वारा लिखित राजा राम वर्मा की आत्मकथा काफी लोकप्रिय है, कह रहे हैं कि कौन से वह व्यक्ति थे जिन्होंने राजा राम वर्मा के ऊपर एक आत्मकथा लिखा और वह आत्मकथा क्या था, बहुत लोकप्रिय हुआ, तो कौन थे वो, रंजित देसाई, सलमान खुर्शीद, मयंक द्विवेदी, संतोष शिवासन। तो 20 नंबर पर देखें, तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा कमेंट करिए, राजा राम वर्मा के ऊपर जो आत्मकथा लिखा गया काफ़ी लोकप्रिय हुआ, तो कौन थे साथी वो लेखक, तो रंजित देसाई साहब थे। अगला है, कंपनी शैली का पोत किस प्रकार का है, पूछ रहा है, प्रकृत है, अनुकृत है, कृत्रिम है या प्राप्त है। तो कंपनी शैली का जो पोत है साथियों किस प्रकार का है, अनुकृत है। अगला है, उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो एक एक प्रश्नों को अगर हो सके तो साथियों आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जो भाई नोट डाउन ना किए हो तो नोट डाउन आप करेंगे तो आप अपना रिवीजन आप खुद कर सकते हैं, एक बार दोबारा पढ़कर या वीडियो को एक बार दो बार तीन बार आप देखिए साथियों। बंगाल का बांकुरा प्रसिद्ध है, कह रहा है कि बंगाल क्षेत्र का जो बांकुरा है ना, बांकुरा क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, बांकुरा बंगाल में बांकुरा पड़ता है, पूछा किस लिए प्रसिद्ध है, पट चित्रों के लिए, कांथा के लिए, टेराकोटा टेम्पल के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो 22 देखिए, तो 22 का राइट आंसर क्या होगा साथियों, जो बंगाल का बांकुरा क्षेत्र है किस लिए प्रसिद्ध है, तो टेराकोटा टेम्पल के लिए क्या है ये प्रसिद्ध है। अगला आपका, बंगाली बाबू के वैश्यावृत्ति श्यामकांत बनर्जी का तंत्र योग तारकेश्वर
तार, केसर, स्कैंडल इत्यादि किस शैली के प्रमुख चित्र हैं? कारक बंगाली बाबू के वैश्यवृत्त, श्यामकांत बनर्जी के तंत्र योग, तारकेश्वर, स्कैंडल इत्यादि किस शैली के प्रमुख चित्र हैं? पटना के, उड़ीसा के, कालीघाट के या मंदसौर के? तो 23 नंबर देखें तो 23 नंबर क्या हो जाएगा साथियों, पर राइट आंसर क्या होगा साथियों, कालीघाट के शैली के ये चित्र हैं। अगला है आपका, लक्ष्मी विलास महल कहाँ स्थित है? करेक्ट, लक्ष्मी विलास जो महल है साथियों कहाँ स्थित है? त्रिची में, मैसूर में, बड़ोदरा में या बीजापुर में? तो लक्ष्मी विलास मंदिर कहाँ है? तो 24 पे देखिए तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बड़ोदरा में स्थित। कहाँ है? बड़ोदरा में। अगला, कंपनी शैली के अनेक चित्र किस संग्रहालय में है? कह रहा है कि कंपनी शैली के अनेक चित्र किस संग्रहालय में रखे गए हैं जो कंपनी शैली के? हैदराबाद संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय, पटना संग्रहालय, इनमें से कोई नहीं। तो 25 पे देखिए तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, पटना संग्रहालय में रखेंगे। कंपनी शैली जो अनेक चित्र रखेंगे किस संग्रहालय में? पटना संग्रहालय में। राजा वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? राजा वर्मा का जन्म पूछ रहा है साथियों किस राज्य में होता, राज्य की बात पूछा किस राज्य में हुआ? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो कमेंट जरा करिए राजा वर्मा से ऊपर साथियों, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस राज्य में? तो केरल के किले मन्नोर में, तो केरल में हुआ था यहाँ पर। अगला है आपका, राजा वर्मा का जन्म 1848 में केरल में किस स्थान पर हुआ था? ना, तो किस स्थान पर था 1848 में राजा वर्मा का जन्म साथियों? तो किले मन्नोर, केरल के किले मन्नोर में। अगला है, राजा वर्मा की मृत्यु कहाँ हो, कब हुई? सॉरी, राजा वर्मा की मृत्यु कब हुई पूछ रहा है कि मृत्यु कब हुई? 1908, 1910, 1906, 1921। तो 28 नंबर देखिए तो 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजा वर्मा की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी साथियों? 1906 में। कब हुई थी? 1906। अगला है, राजा वर्मा जाने जाते हैं, राजा रवि वर्मा जो हैं जाने जाते हैं, तो किसके लिए जाने जाते हैं साथियों? वाश पेंटिंग, टेम्परा पेंटिंग के लिए, तैल रंग पेंटिंग के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो किसके लिए राजा रवि वर्मा को ख्यात प्राप्त है या प्रसिद्धि या महारत हासिल हुआ, तो किसके लिए? तो तैल रंग पेंटिंग के लिए। अगला है, तैल रंग चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार कौन थे? तैल चित्रण करने वाले ने कह रहा है कि तैल चित्रण करने वाले या तैल चित्र बनाने वाले प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार कौन थे साथियों, जो भारत के थे वो प्रसिद्ध थे तैल चित्र में, तो कौन थे? नंदलाल बोस, एएन टैगोर, अमृतसर गिल या राजा रव वर्मा? तो तैल विधा में जो पारंगत थे, जिन्हें महारत हासिल था और भारतीय चित्रकार थे, वो थे राजा रव वर्मा आपके। अगला है, तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार, तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम शब्द आ गया प्रथम भारतीय चित्रकार, राजा रव वर्मा, एम एफ हुसैन, रणवीर सिंह बिष्ट, सतीश गुजराल, तो कौन हो जाएंगे साथियों? राजा रव वर्मा ही थे प्रथम भारतीय चित्रकार जो तैल विधा में काम करते थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तैल रंग में निर्मित हुई? 20वीं शताब्दी कह रहा है कि कौन सा वो चित्रकार था जिसने अपनी सभी कृतियों, सभी चित्रों को किस में बताया था, तैल रंग में बनाया था? तो अवनीनाथ टैगोर, निरोध मजूमदार, यामिनी राय, राजा राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथ ही, ये तीनों चारों प्रश्न राजा राम वर्मा से जो पूछे जा रहे हैं साथ में, घुमा फिरा के हर बार एग्जाम में पूछे, लगभग ये 10 बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है साथ ही राजा राम वर्मा से सवाल, तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न। राजा राम वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? देखिए फिर पूछ रहा है राजा राम वर्मा जो है किस कला के लिए क्या है प्रसिद्ध है, तो किस प्रकार की कलाकार के लिए? मूर्त कला के लिए, नाट्य कला के लिए, चित्र कला के लिए या नृत्य कला के लिए? तो राजा राम वर्मा का संबंध किस प्रकार से है, कैसे चित्रकारी से है ना? तो राजा राम वर्मा क्या करते साथ ही? चित्रकारी करते थे जो तैल विधा में करते थे, तैल माध्यम से। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए ना? कारक, उस चित्रकार का नाम बनाइए जिन्हें यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए ना? माध्यम क्या था? यूरोपीय, अब विषय क्या था? भारतीय। तो चित्र बनाने वाले कलाकार कौन थे साथियों? सेलेनाडे, नंदलाल बोस, के एन मजूमदार या राजा रव
वर्मा। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, डबल स्टार लगा के चलिए, राजा रव वर्मा थे साथियों, जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विश्व पर चित्र बनाए थे। इनका जो विषय था पौराणिक कथाओं से संबंधित था। एक और चित्रकार थे जिनका नाम था अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल भी यूरोपीय शैली में ही भारतीय विश्व पर चित्रकारी की हैं। तो दोनों ऑप्शन में एक ही रहेंगे, दोनों लोग नहीं रहेंगे, एक रहेंगे। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम चित्रकार कौन थे? देखिए एक क्वेश्चन और पूछ ले, विदेशी चित्रण पद्धति में प्रथम चित्रकार कौन थे जो विदेशी माध्यम में चित्रकारी करते थे? राजा देव वर्मन, राजा रव वर्मा, जहांगीर शाहवाला, या इनमें से कोई नहीं। तो विदेशी चित्रण पद्धति प्रथम चित्रकार कौन थे? तो राजा रव वर्मा ही थे साथियों, जो विदेशी पद्धति को अपनाकर चित्रकारी करते थे। राजा वर्मा जाने जाते हैं, तो राजा रव वर्मा किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं साथियों? ना कैसे चित्रकारी करते हैं? पौराणिक चित्रों के लिए, प्राकृतिक चित्रों के लिए, ऐतिहासिक चित्रों के लिए, या राजनैतिक चित्रों के लिए? तो राजा रव वर्मा कैसी चित्रकारी करते थे, किस रूप में जाने जाते थे? ये पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। राजा वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया, राजा रव वर्मा ने भारत में कहाँ, भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया आर्ट स्कूल, आर्ट गैलरी, ओलियोग्राफ या आर्ट स्टूडियो? राजा वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया था, क्या स्थापित किया भारत में साथियों? तो ओलियोग्राफ स्थापित किए थे। किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती हैं? तो वेरी वेरी मोस्ट ट्रिपल स्टार लगा के चलिए, किस भारतीय कलाकार के चित्रों की कारा की प्रतिलिपियां जो है साथियों अधिकांश घरों में पाई जाती हैं? कहाँ पाई जाती है? घरों में। नंदलाल बोस, एएन टैगोर, राजा रव वर्मा, अमृता शेरगिल। तो किसके चित्र हैं जो साथियों अधिकांश भारतीय घरों में पाए जाते हैं? तो राजा रव वर्मा पौराणिक चित्रकार थे साथियों। तो ये देवी देवताओं से संबंधित चित्रकारी करते थे, कैलेंडर बनाते थे, ओलियोग्राफ प्रेस, लिथोग्राफ प्रेस के माध्यम से छापते थे, और आज भी सभी हिंदुओं के घरों में कैलेंडर दिखाई देते हैं। दक्षिण भारत के जिप्सी किसकी अद्वितीय कृति है? एम एफ हुसैन, एएन टैगोर, राजा रव वर्मा। तो 39 नंबर पे देखें तो 39 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों? दक्षिण भारत की जो जिप्सी अद्वितीय कलाकृति है, ये राजा रव वर्मा का ही कलाकृति है साथियों। 40 नंबर पर हम लोग पहुंच गए हैं, धीरे धीरे अपने टेस्ट सीरीज के अंतिम छोर की तरफ बढ़ रहे हैं साथियों। 60 प्लस क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे। रंगरसिया फिल्म किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? तो इम्पॉर्टेंट है, रंगरसिया फिल्म किस कलाकार के जीवन पर बना था? एएन टैगोर, नंदलाल बोस, हल्दर, राजा रव वर्मा। तो रंगरसिया जो फिल्म था साथियों किसके ऊपर बना था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाइए। तो राजा रव वर्मा के ऊपर ही रंगरसिया फिल्म बनाया गया था, जिसे केतन मेहता के द्वारा। राजा रव वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ी 2009 में शायद ये फिल्म बनी थी। राजा रव वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? राजा रव वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह पूछ रहा है कहाँ है? प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सालारगढ़ संग्रहालय हैदराबाद, या चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। तो राजा रव वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है साथियों पूछ रहा है। तो 41 नंबर पर देखें तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम हो जाएगा। कहाँ जाएगा? घ वाला आपका बिल्कुल तो राइट हो जाएगा। अक्टूबर 2007 में राजा वर्मा द्वारा बनाई गई एक ऐतिहासिक कलाकृति जो भारत में ब्रिटानी राज के एक उच्च अधिकारी और महाराजा की मुलाकात को चित्र की गई थी उसे कुल कितने मूल्य में बेची गई? ने? तो देखिए यहाँ पे कितना है, 1.24 मिलियन डॉलर, 5.20 मिलियन डॉलर, 3.01 मिलियन डॉलर, 2.15 मिलियन डॉलर में। तो कितने में बेची गई थी साथियों? तो 42 का राइट आंसर दीजिए आप लोग, देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा 1.24 मिलियन डॉलर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, का हो जाएगा। अगला है महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की मराठी पठ्य पुस्तकों में अपूर्व उपहार
नाम का अध्याय किसके जीवन पर आधारित है? महाराष्ट्र बोर्ड की एक मराठी पाठ्य पुस्तक है, उसमें अपूर्व उपहार है, नाम का एक अध्याय है, किसके जीवन पर यह लिखा गया है, पाठ है, अध्याय है, तो किसके जीवन पर लिखा गया? पिकासो, राजा वर्मा, रामकिंकर बैज, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, तो किसके जीवन पर लिखा गया है साथियों? तो राइट आंसर आएगा राजा वर्मा के जीवन पे ही यह पाठ लिखा गया जिसका नाम है अपूर्व उपहार। अगला है आपका, आज भारतीय जनमानस में देवी देवताओं की जो छवि निर्मित है वह किसकी देन है? कह रहे हैं कि आज भारतीय जनमानस में जो देवी देवता हैं जो छवि निर्मित है सबके घरों में या किसकी देन है? तो राजा वर्मा की, रविन्द्रनाथ टैगोर की, नंदलाल बोस की, या कोई नहीं, तो राजा वर्मा का ही देन है साथियों। जो देवी देवता है आज सबके घरों में विद्यमान दिखाई देते हैं। विश्व की पहली ऐसी कला शैली जिसने आम लोगों और उसके जीवन को कैनवास पर जगह दी वह कौन सा है? प्रभाववाद है, घनवाद है, रेनेसा काल है, या कंपनी शैली है? तो 45 नंबर पर हम लोग साथियों पहुंच चुके हैं। तो 45 नंबर का क्या होगा, विश्व की पहली ऐसी कला शैली कौन सी है जो आम लोगों को उसके जीवन के कैनवास पर जगह दी? तो क्या आ जाएगा, घनवाद शैली थी। कौन सी शैली थी? घनवाद से शैली थी। तो राजा वर्मा भी घनवाद से संबंधित कलाकार थे। अगला है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने मुंबई में लिथोग्राफ प्रेस खोला। कौन सा प्रेस खोले? लिथोग्राफ प्रेस खोले। कहाँ पे? मुंबई में। चित्रकार का नाम पूछ रहा है, तो यानी एस बेंद्रे साहब थे, राजा वर्मा थे, या फिर सूजा थे, या यामिनी आचार्यकर थे ना? तो लिथोग्राफ प्रेस को मुंबई में कौन सा कलाकार खोला था? तो वह कलाकार आपके कौन हो जाएंगे, एक बार कमेंट आप लोग जरा करिए। तो साथियों राजा वर्मा थे, मुंबई में जो लिथोग्राफ प्रेस खोले थे घाटकोपर में। किस राजा के समय में मैसूर शैली का विकास हुआ? कह रहे किस राजा के समय में मैसूर शैली का विकास हुआ? राजा कृष्णराज, शिवराज, इंद्रदेव, या विष्णुदेव के साथ? तो 47 पर हम लोग पहुंचे, तो 47 का जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा यहाँ पर, 47 का तो क्या हो जाएगा, राजा कृष्णदेव राय के समय में। अगला है आपका, ब्रिटिश चित्रकारों के आने से किस प्रकार के चित्रों की भारत में मांग बढ़ी? कह रहा है कि ब्रिटिश जैसे अंग्रेज जब भारत में आए तो उनके आने से साथियों क्या किस चित्रों की मांग बढ़ गई थी, भारत में मांग बढ़ गई? सूक्ष्म चित्र, तैल रंगों के आदान आदम का चित्र, धार्मिक चित्र, पौराणिक चित्र, तो किस प्रकार के चित्रों की मांग बढ़ गई थी भारत में जब ब्रिटिश आए थे साथियों? तो यहाँ तैल रंग के आदम कद चित्रों की मांग ब्रिटिश के आने से भारत में बढ़ गई थी। भारत में सर्वप्रथम किस चित्रों ने चित्रकार ने अंग्रेजी शैल चित्र बनाए? भारत में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने अंग्रेजी शैल चित्र बनाए? ईश्वरी प्रसाद, राजा वर्मा, सेवकराम, जयराम दास, तो 49 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा राजा वर्मा साहब। निम्न से कौन सा चित्रकार तैल चित्रण नहीं करता था? इनमें से कौन एक चित्रकार जो तैल चित्रण नहीं करता था? अलाइकरी नायडू, राजा वर्मा, रामस्वामी नायडू, झूमक लाल। 50 पे देखें तो 50 नंबर पे जो राइट आंसर होगा, झूमक लाल जो थे साथियों तैल विधा में चित्रकारी नहीं करते थे। स्वर्गीय रायकृष्ण दास ने किस शैली को फिरंगी शैली कहा? किसने कहा? स्वर्गीय रायकृष्ण दास ने न किस शैली को फिरंगी शैली कहा था? वो शैली कौन सी? कंपनी शैली, कालीघाट शैली, बंगाल शैली, आगरा शैली। तो 51 नंबर पर देखे साथियों, तो कंपनी शैली थी जिसे स्वर्गीय रायकृष्ण दास ने फिरंगी शैली कहा था। निम्नलिखित में से किस चित्रकार का राजा वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया है? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस चित्र को राजा वर्मा द्वारा नहीं चित्रित किया गया है? नहीं, राजा वर्मा उस चित्र को नहीं बनाया है। यायावर, जिप्सी परिवार, ब्रह्मचारी, संगीतकारों की विशिष्ट मंडली, गैलेक्सी, राम द्वारा समुद्र को परास्त करना, तो कौन सा चित्र राजा वर्मा द्वारा नहीं बनाया गया साथियों? तो 52 नंबर पर देखें तो 52 नंबर का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी जो चित्र था राजा वर्मा द्वारा नहीं बनाया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक पटना चित्र शैली, पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग की विशेषता नहीं है? कह रहा है पटना स्कूल की विशेषता नहीं है,
सीपी या जल रंग, अजंता भित्त चित्र का प्रभाव, आड़ी खड़ी रेखांकन, क्रॉस हैचिंग, नवीन पदार्थों का प्रयोग, तो क्या नहीं था ना? तो पटना शैली स्कूल का पेंटिंग नहीं है साथियों। 53 नंबर का जो राइट आंसर होगा, अजंता भित्त चित्र का प्रभाव, ये पटना शैली से अलग है। कपड़ा शैली में चित्रित गुलाम अली खां, कारा की कंपनी शैली में चित्रित गुलाम अली खां ने 20x26.5 सेंटीमीटर शीर्षक चित्र किस माध्यम में बना है? तो इस चित्र का माध्यम पूछ रहा है साथियों कि किस माध्यम में चित्र बना है, जल रंग में, टेम्परा में, तैल में, एक्रेलिक में। तो 54 नंबर पे देखें तो 54 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ये गुलाम अली खां का जो चित्र बना है साथियों टेम्परा माध्यम में बना, किस माध्यम बना है, टेम्परा में। अगला आपका शकुंतला अपनी सखियों के साथ न, चित्र कैसा है, तैल रंग माध्यम बना है। कौन शकुंतला अपने सखियों के साथ है? तो तैल माध्यम चित्र है, तो इसके चित्रकार को पूछ रहा है कि कौन इसको बनाया था, राजा वर्मा, अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, यामिनी राय। शकुंतला अपने सखियों के साथ तैल माध्यम बना हुआ चित्र किसने बनाए थे? तो राजा वर्मा बनाए थे। इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट। अभिमन्युवाद ओलियोग्राफ किसमें बना है साथियों? अभिमन्युवाद ओलियोग्राफ में चित्र किसका है? अवनीनाथ टैगोर का, राजा वर्मा का, रामकिंकर बैज का, किसके द्वारा पूछ रहा है कि चित्र बनाया गया है? तो यह चित्र जो बनाया गया है साथी अभिमन्युवाद, ये राजा वर्मा द्वारा ही बनाया गया। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न, स्टार लगाइए आप लोग। वासुदेव और देवकी की रिहाई क्या करा है? वासुदेव और देवकी की रिहाई नामक जो चित्र है साथियों, राजा वर्मा ने किस माध्यम में इस चित्र को बनाया था? एक्रेलिक, तैल, ओलियोग्राफ या वास में। 57 का जो राइट आंसर क्या साथियों, वासुदेव और देवकी की जो रिहाई चित्र था इसे ओलियोग्राफ में राजा वर्मा ने बनाया था। अगला, तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी किस माध्यम में बना है? तैल रंग में। माध्यम क्या है? तैल रंग। चित्र का नाम है मालाबार ब्यूटी। किसने चित्रित किया था? एल एम पंडित, राजा वर्मा, राजा वर्मा ने, थियोडोर जॉनसन ने। राजा राज वर्मा है, राजा रवि वर्मा है, तो दो ऑप्शन इसमें खा और ग में देखिए, थोड़ा ध्यान से आप इसको करना है। तो 58 नंबर पर क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा हो जाएंगे, ग वाला। अगला है, अभ्रक, कांच, हाथी दांत पर चित्रण तकनीक इन शैलियों में से किसका योगदान था? अभ्रक, कांच, हाथी दांत पर चित्रण किस तकनीक में बना था साथियों? कौन सी शैली थी? पटना शैली थी, बंगाल शैली थी, जेजे शैली थी या बड़ौदा शैली थी? तो कारण बताओ, किस शैली में अभ्रक, कांच और हाथी दांत पर चित्रकारी हुआ था? 59 पे देखेंगे तो पटना शैली में अभ्रक, कांच और हाथी दांत पर चित्रकारी देखने को मिलता है। हरिश्चंद्र और तारामती, हरिश्चंद्र तारामती राजा रानी दोनों थे ना, विख्यात चित्र किसका है? तो राजा वर्मा, अवनीनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो किसका चित्र था? हरिश्चंद्र और तारा का चित्र किसने बनाया था साथियों? तो पौराणिक कथाओं से जो जाने जाते हैं राजा वर्मा, तो राजा वर्मा का यह चित्र था। किसका था साथियों? पौराणिक कलाकार राजा वर्मा, हरिश्चंद्र और तारा। मंदोदरी ओलियोग्राफ चित्र किसका है? मंदोदरी जो था चित्र था ओलियोग्राफ में बना है, तो किसने इसको बनाया था? चंद्रगुप्त, राजा वर्मा, ईश्वर प्रसाद, नंदलाल। तो सभी इम्पॉइंटेड है साथियों। तो 61 नंबर पे क्या हो जाएगा? राजा वर्मा। मंदोदरी का जो चित्र बनाए थे राजा वर्मा बनाए थे। अभिकथन, अभिकथन राजा वर्मा ने पश्चात तैल चित्रण परंपरा को भारतीय पहचान और स्वीकृति दिलाई। अगला है तर्क, उन्होंने भारतीय मूल्यों और सांस्कृतिक परंपरा को पहचाना, भारतीय कला को एक नवीन दृष्टि प्रदान की। तो इसमें देखिए चारों ऑप्शन दिया गया है, कौन सा हो जाएगा इसमें साथियों? का, ख, ग, घ में। तो 62 नंबर का जो राइट आंसर होगा ए क्या हो जाएगा साथियों? ग वाला हो जाएगा। ए और आर दोनों क्या है? सही है। अगला है, मुंह में मछली दबाए बिल्ली, मुंह में मछली दबाए बिल्ली, इंपॉर्टेंट स्टार लगाइए। 1890 में किस शैली का यह चित्र है? 1890 में बना था, बता रहा किस शैली का चित्र? कंपनी कालीघाट, तंजौर, मैसूर।
मुंह में मछली दबाए बिल्ली। तो यह है साथियों आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके समझ आ गए होंगे और नोट डाउन भी किए होंगे। साथियों अपनी तैयारी को बेस्ट एंड बेस्ट करें। कमेंट करके आप बताएं कि 63 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही होता है, तो अवश्य कमेंट करके बताएं और ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं साथियों उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को देखने के लिए। तो 63 नंबर पर क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर कालीघाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कालीघाट। मुंह में मछली दवाई बिल्ली 1890 में कहाँ बना था काली घाट में बना था। तो वीडियो साथियों आप लोगों को जो रोजाना सुबह 7 से 8 बजे के बीच में मॉर्निंग में मिलता है साथियों, तो बने रहिए कि ऑनलाइन क्लास आज पूरी तैयारी TGT PGT आर्ट की तैयारी, थोड़ा धैर्य और साहस रखिए बस साथियों। तो चलते हैं, दीजिए इजाज़त, लेते हैं विदा, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।